हेलो दोस्तों, कन्वर्ट एनर्जी। दोस्तों, हम इस बैटरी से इसको रनिंग कराएंगे। ये हमारा 36 वोल्ट सप्लाई डीसी आउटपुट देगा। दोस्तों, ये हमारा ई रिक्शे का मोटर है। इसका रोटर हमारा 45 mm का था, फिर इसको हमने 70 mm बढ़ाया है। अंदर का रोटर बढ़ाया है इसका। ये कोर दिख रही है आपकी कि बढ़ी हुई है। इसकी वाइंडिंग भी कुछ अलग की है। इसका रोटर भी बढ़ाना पड़ गया है और इसका स्टेटर भी। एक साइज हमारा मैग्नेट का लगा हुआ है 25 mm और दूसरा लगा हुआ है हमारा 45 mm। इस जगह पे हमने 63 वोल्ट के कंडेंसर यूज किए हैं 10। ये हमारा इलेक्ट्रिक फायर सर्किट है। ये हमारी सप्लाई है। ये रिले स्टार्ट करेगी। इसको चलाने के लिए हमने स्कीटी का एक मोटर यूज किया है। बैटरी हमारी भी डाउन है। 34 वोल्ट बैटरी हमारी है। ये हमारी 36 वोल्ट की बैटरी है। बीच में हमने 2 डायोड 6 एम्पेयर के यूज किए हैं। दोस्तों, इसके अंदर कोई सप्लाई नहीं है अभी। दोस्तों, इसकी स्पीड बढ़ाते हैं। हाई आरपीएम पे जाएगा ये। दोस्तों, स्पीड्स की धो धीरे धीरे बढ़ाएंगे दोस्तों, वरना मोटर पे काफ़ी लोड पड़ता है। दोस्तों, ये अपनी स्पीड में आ चुका है। इसके बैटरी के वोल्टेज 33.4 वोल्ट। इधर अभी हमारी कोई सप्लाई नहीं आ रही है साइड में, क्योंकि ये हमारी रिले अभी स्टार्ट करेंगे इसकी, तभी इसकी सप्लाई आएगी। दोस्तों, वो कुछ पल्स दिखा रहे हैं हमारी उंगली की वजह से, वरना कोई वोल्टेज नहीं है। डायोड के आगे साइड में 34 वोल्टेज आ रहे हैं। दोस्तों, कैमरे को करते हैं स्टैंड पे,
तस्वीर दिखाते हैं आप लोगों को। बैटरी के वोल्टेज 33.3, इसकी सप्लाई बैटरी पे कन्वर्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। इसके वोल्टेज बढ़ेंगे अभी। हटा दिया तार। वोल्टेज डाउन हो गए हैं। हमारी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ये हमारी रिले ऑन है, लेकिन इसको हम स्विचिंग कराएंगे दोस्तों, स्विचिंग कराएंगे, क्योंकि अभी इसमें हम इस जगह पे एक पॉइंट लगाएंगे इसका। बंद हो गई। बैटरी हमारी चार्ज हो रही है दोस्तों। अभी इसमें से थोड़ा कम बाकी है, इसमें अभी एक ट्रांसफार्मर भी यूज करेंगे इस जगह पे वोल्टेज के लिए। फिलहाल इस तार को हम डायरेक्ट लगा देंगे इसी के साथ में। स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमने लगा दिया। लूजिंग है इसमें। हमारे तार बैटरी के लगे हुए निकल गया। बैटरी का तार भी निकल गया है। बहुत हाई एम्पियर करंट निकाल रहा है दोस्तों। चेक कराते हैं क्योंकि रिले है, उड़ने का डर है। बस थोड़ा सा एक जम्पर लगाएंगे इसमें से। ओ, क्योंकि ये कंडेंसर भी हमारे चार्ज हैं। स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें से। ये हमारा बैटरी का तार है, इसको हम इधर भी लगा देंगे लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा स्पीड पे। आप नज़र रखना इसके पे। ये तार भी अलग है हमारा, ये लगा दिया। कोई फ़र्क नहीं स्पीड पे।
तो एक हाथ से कोई काम बन नहीं रहा है। बहुत हल्का सा गिरट जा रहा है दोस्तों, इस पर हमारी बैटरी चार्ज होगी। दोस्तों इस पे हम ज़्यादा लोड नहीं डालेंगे, इस जगह पे एक रिले का पॉइंट लगा के बराबर इसमें हम स्विचिंग कराएंगे दोस्तों, रिले हमारी काम करती रहेगी, उससे ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों अभी मैं कंट्रोलर के बारे में नहीं कुछ बताने वाला हूँ, इसकी पूरी डिटेल बता देंगे दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग मोटर देख लें, बैटरी के तार हमारे जुड़े हुए हैं एकदम बढ़िया से, ये काम कर रहा है दोस्तों। लेकिन बैटरी की जितनी अच्छी हम स्विचिंग कराएंगे ज़्यादा बेहतर है। मोटर ये बहुत कम एम्पियर लेता है दोस्तों, 1 से 1.5 एम्पियर तक ये चल रहा है सारा सिस्टम। आने वाले अगले वीडियो में दोस्तों इसका एक चार्जिंग एम्पियर मीटर, लोड एम्पियर मीटर, एक ट्रांसफार्मर सब लगा के दिखाएंगे इसमें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए कि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत जल्द दोस्तों इसी पे मिलेंगे, इसमें काफ़ी टाइम लगा है क्योंकि इसकी मोटर की वाइंडिंग में बहुत ज़्यादा समय लगा है। इसकी वाइंडिंग करीब 5 बार हमने की है। जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें कि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं इसी पे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।